हालांकि अब मौसम विभाग का यह कहना है दोस्तों कि भारी बारिश अच्छी होने वाली है। किसानों के लिए अलर्ट, देखिए आप इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में IMD ने देश भर का मौसम का हाल बताया, क्योंकि कई राज्यों के किसान भाई लोग जो है भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं उनकी फसलों के लिए, तो अब उन किसानों के लिए तो राहत की बात है। बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजधानी दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 5 दिन आखिर देश में मौसम का हाल कैसा रहने वाला वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा 10-11-12 तारीख से ही जब मौसम वापस आया ना मानसून, उसके बाद से अभी तो 13-14 और 15 जुलाई तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। किन किन राज्यों में वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो ये मानसून वापस आया ना, इस दरमियान बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी जा रही है। मैंने आपको मॉर्निंग के टुडे ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में भी बताया था अपडेट, आपको पता होगा। देखिए बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से राजस्थान राज्य में 20 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया, लेकिन सिर्फ राजस्थान में 20 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में भी देखिए आकाशीय बिजली गिरने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, इस दौरान ही बिजली गिर गई और कई लोगों के एक साथ मौत हो गई। टोटल यूपी में 40 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो गई। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में टोटल 68 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई, और वो भी पिछले 12-14 घंटों के दौरान। मतलब दोस्तों अभी मानसून जो ये वापस आया ना, इसमें बहुत ज्यादा बिजलियां गिर रही है। सो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बारिश का जब भी मौसम हो रहा है, बादल काले बादल छा रहे हो, आपको लगता है कि अब मौसम बिगड़ रहा है और बारिश आने वाली है, उस दरमियान आप बाहर ना घूमे तो ही ज्यादा बेहतर है। अपने घर में रहें ताकि सेफ रह सके आप, क्योंकि बिजलियां बहुत ज्यादा गिर रही है, ठीक है ना। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया गया कि बिजली गिरने के दौरान, मतलब मौसम खराब हो रहा है, इस दौरान आप बाहर ना घूमे। ओके, अब बात करें अपन देश के किन किन राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी है, ठीक है ना। तो देखिए, एक तो केरल राज्य में अगले 4 दिन भारी बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली वालों को इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब लगभग खत्म होने वाला है। तो राजधानी दिल्ली समेत अब देखिए आप, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। अब लोगों को लू से राहत मिलने जा रही है। तो देखिए दिल्ली में भी जमकर बरसेंगे बादल, उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। मौसम विभाग का यह कहना दोस्तों कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। वही देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अगले 12-14 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए तो रेड अलर्ट, रेड वार्निंग जारी की गई है, तो आप सावधान रहिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, सिक्किम, उड़ीसा में भी अच्छी खासी बारिश आपको अगले 24-48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है, यानी कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर, है ना। और बाकी मौसम पर और एक अपडेट देखिए आप कि भारी बारिश के कारण हिमाचल के कांगड़ा हवाई अड्डे की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। धर्मशाला में होटलों के किनारे कई वाहन खड़े रह गए, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ देश भर में मौसम का हाल और पूर्वानुमान चल रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये वेदर न्यूज अलर्ट जरूर जानने मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य का मौसम अपडेट और मौसम समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।